एक्चुअली में ये हमारा जो सुदर्शनपुरी से और ये बाबूलाल मिठाई वाले वस्त्रालय वाले हो गए हैं, यहाँ ठग्गू वस्त्रालय वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो है ना सड़क का निर्माण होना था, जो कि हम लोगों हम पार्षदों को नगर निगम बताना भी नहीं चाहता है कि यहाँ पे सड़क नहीं बननी है, ख़राब बननी है या उधड़ के बननी है, कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे सड़क बन रही है, मैं वहाँ पार्षद होके मैं वहाँ पे गई, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे सड़क कैसे बन रही है। बोले मैडम ऐसी बन जाएगी, शासन से आया है, बनना है। और तो हमने बोला नहीं, ऐसा है कि इसको आप कम से कम जो नहीं ना पहले जो पुरानी सड़क है उसको पहले आप उसको फोड़ी निकालिए, उधड़िए पुधड़िए, फिर उसके बाद नई सड़क बनी, क्योंकि सड़क ऊंची होती जा रही है, लोगों का घर नीचे जा रहा है। उन्होंने मेरी नहीं सुनी और उल्टा मेरा ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बार बार पूछते रहे आप चाहती क्या है, चाहती क्या है। जब मैंने उनसे एक बार बोल दिया उसके बाद मुझे पूरे नगर निगम के लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं किसी तरह जो नहीं अपने आप को मैंने बचाया और मैंने कहा कि अगर ये कहने लगे आपका कोई दायित्व भी नहीं है कि आप इस पे इस काम को रोकें, तो मैंने कहा मेरा दायित्व क्यों नहीं है, मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ और मैं मनोनीत पार्षद हूँ, मेरा क्यों नहीं दायित्व, मेरा आप मुझे दायित्व अपना बताएंगे कि मेरा दायित्व क्या है। मैं पार्षद होगी मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में काम क्या हो रहा है। जब मैं उनसे अपना काम पूछी तो वो कह रहे हैं ऐसा है कि ये शासन से है और आपका कोई मतलब नहीं है, ये फलाना जाने ढमाका जाने, लेकिन आपका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मेरा इससे पहले भी शासन स्तर पर जो सड़कों का काम होता था वो पार्षद की बगैर संज्ञान में डाले नहीं होता था, लेकिन अब क्या जो है क्या प्रोसीजर चेंज किया गया है? अब ये तो कुछ नहीं है प्रोसीजर भाई, ये पार्षद है और पार्षदों के बिना जैसे क्षेत्र में कैसे हो रहा है। भाई पार्षद को तो बताया ही जाएगा ना कि उसके क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है, अगर पार्षद को कार्य पता नहीं चलेगा तो फिर पार्षद किस काम का, भाई वो पार्षद ही नहीं है फिर। तो जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है उससे क्या क्षेत्रीय लोगों को कुछ परेशानी हो रही है? हाँ, वहाँ पे काफी जो है ना टूटी फूटी है सड़कें हैं और उनका एक संजय जी हैं, उनका तो घर नीचे है और सड़क ऊपर चली आ रही है। लेकिन आए अगर ये सड़क ऊंची बन भी जाती है, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग तो होती ही नहीं है, आप जाकर देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पहले उस गड्ढे को भरा जाता है लेकिन ना तो वो नगर निगम जो नहीं ना कह रहा हम इस गड्ढे को नहीं भरेंगे, इस डायरेक्ट बना रहे हैं, ना तो उसमें सफाई हो रही ना तो कुछ, डामर लाया छिड़का और सड़क बनने लगी। ऐसे क्या प्रोसीजर है क्या सड़क बनने का? अगर ऐसा है तो बताया जाए हम लोगों को। आपके साथ कुछ अभद्रता की भी बात सामने आ रही है? जी हाँ, वहाँ पे नगर निगम में एक यादव जी हैं, उन्होंने मेरा वीडियो बनाया और वो मुझसे कहने लगे कि आपका कोई दायित्व नहीं है, कोई दायित्व। मैंने क्यों नहीं मेरा दायित्व है, तो बोलने लगे काम चालू करो और पार्षद जी को बोलने दो। अगर मैंने